भाई इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कल अपन लोगों ने एक ये एग्जाम्पल छोड़ा हुआ था, एग्जाम्पल टू का थर्ड सब पार्ट। बेसिकली ना आप लोगों को लॉन्ग ड्यूरेशन बताने का मेरे पास टाइम नहीं था, तब इसलिए मैंने एक बार छोड़ दिया था। देखो अगर मान लो आप लोगों को कुछ फ्रैक्शन के अंदर आ गया है, ठीक है, और उसमें ये सीन आ गया है, ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से या तो इक्वल है या ज्यादा है, तो इसे बोला जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जैसा। तो ऐसे हम लोग लॉन्ग डिवीजन कर लेते हैं। तो मैं अभी के उससे पहले लॉन्ग डिवीजन ही सिखा रहा हूँ आपको। तो फॉर एग्जाम्पल एक्स की पावर 5 - 4x³ +2x² - 8x+1 / x² - 3, कुछ रैंडम, चलो 2 ले लेता हूँ, थोड़ा छोटा रहने का। देखो सबसे पहला स्टेप क्या होता है ना, ये डिवाइड जो करना है मुझे, ये वैसे फ्रैक्शन में कैसे लिखा हुआ आने वाला है, x^5 - 4x³ + 2x² - 8x+1 / x² - 2, ठीक है। मेरे को इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, मतलब सबसे बड़ा पावर फिर से छोटा, फिर से छोटा, फिर से छोटा, फिर से छोटा, और कोई पावर मिसिंग रहा तो लेके आना पड़ेगा विद +0 x की पावर, जो भी पावर हो। जैसे यहाँ पे x की पावर 4 मिसिंग था, तो +0 x की पावर 4 - 4x³ + 2x² - 8x+1 / x² - 2 जो दिया हुआ है, उसको भी x² + 0x, नहीं कांस्टेंट नहीं हो तो भी लिख लेना। हाँ अगर ये मान लो ये +1 नहीं रहता, कुछ भी लिखा है, तो अपने यहाँ पे +0 लिख लिया होता मैंने, ठीक है। इनफैक्ट अगर ये भी कुछ नहीं होता तो +0x + 0 होकर लिख लिया होता मैंने। अब देखिए x² में क्या मल्टीप्लाई करूँगी, x^5 बन जाए तो वो बन रहा है x³, ठीक है। तब ये x³ को तीनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, x^5 + 0x^4 - 2x³। देखो सही सॉल्व कर रहा हूँ। इसकी जो खुद की जो साइन है उसकी अपोजिट साइन नीचे लिखना पड़ेगा आपको, इसकी प्लस थी माइनस, इसकी माइनस थी। देखो इनकी नहीं देख रहा हूँ मैं, इनकी देख रहा हूँ, माइनस थी प्लस किया, x^5 - x^5 0, 0x^4 - 0x^4 वो भी 0 ही हो रहा है लकीली, -4x³ + 2x³, ये वाली साइन को इग्नोर कर देते हैं अपन, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा बेटा मेरा -2x³। बाकी सब चीज़ों को नीचे लेके आया मैं, अब पहले को पहला बना रहा हूँ, तो -2x से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो -2x³ + 0x² + 4x, ये माइनस था तो नीचे प्लस, वो प्लस था तो माइनस, ये प्लस था तो ये माइनस, ये तो कट गया, 2 - 0 बन गया क्या 2x² -8x - 4x बन गया -12x, ये +1। पहले को पहला बना था +2 से किया मैंने, 2x² + 0x - 4 ये कट गया, -12x + 5 हो गया, ठीक है। चलो लॉन्ग डिवीजन तो ठीक है, कराई थी मुझसे योगी पूछ रहा था तो हम लिखते कैसे है? तो जो क्वेश्चन है यानी ये वाला, तो ये दिस विल बिकम इक्वल टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ठीक है ना। तो रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, ठीक है ना। तो हो जाएगा -12x - 12x + 5 द होल ओवर, यस द होल ओवर x² - 2, फेयर इनफ है यहाँ तक के। हाँ अब उसके हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँगा अभी के लिए एग्जाम्पल नंबर 2 के थर्ड सब पार्ट में, तो वहाँ इसमें मुझे लॉन्ग डिवाइड करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। कुछ बच्चे मुझे क्या बोलेगा यहाँ पे से, इसको x² - 1 + 1 करके लिख दूँ क्या मैं, इसको कर सकते हो। तो इससे क्या हो रहा है, तो वो लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं ना, ये x² - 1 को वो लोग लिखते हैं x+1 * x - 1, ये कटा, ये विद -1 कट जाएगा वो, तो आंसर देखो -(x+1) + 1/(1 - x). इससे लॉन्ग डिविजन की मेहनत बचा ले रहे हो लोग, बट वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग ऐसा हमेशा नहीं होगा कि आप लोग +1 - 1 करोगे आइडेंटिटी बन जाएगी, यहाँ बन रही थी इसलिए हो गया। तो आप लोगों से अभी तो मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि करना ही कर लो, बट आप लोग लॉन्ग डिविजन के ऊपर अपना थोड़ा सा पकड़ जमा के रखो, आंसर वही आएगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं,
ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस वन करने से फायदा हुआ एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन हो रहा था, जैसे नीचे कट जा रहा था। हैड दिस बाय एनी चांस बीन टू माइनस एक्स तो कोई फायदा ही नहीं होता, प्लस वन माइनस वन, प्लस टू माइनस टू करके भी कुछ नहीं होता। हाँ प्लस फोर माइनस फोर करके हो जाता था, बट इतना समझना सोचना ओके छोड़ना, लॉन्ग डिविजन कर लेना। तभी के लिए आप लोग एग्जाम्पल टू का थर्ड सब पार्ट करोगे, आप लोगों को थर्ड तक ही दिया गया था, करेक्ट? हाँ। अब देखो गाइस ये वाले जो क्वेश्चंस है, आई एम नॉट इवन श्योर कि आप लोगों को कैसे वो फॉर्मेट में दिखने चाहिए, मेरे को नहीं दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन सा लू, कोई भी एक बोलो, बोल रहा कौन सा करूँ, इस तीनों में से कोई एक सब पार्ट बोल, सेकेंड वाला 3x प्लस वन 2x माइनस वन, 3x प्लस वन 2x माइनस वन, इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे। ऑब्वियसली भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में लगा भी देता कि 3x इंटू रूट ऑफ 2x माइनस वन प्लस 1 इंटू रूट ऑफ 2x माइनस वन dx, और फिर अपना अपना इंटीग्रेशन होता, कोई फायदा नहीं होता। मेरे को सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा सोच रहा हूँ मैं, तो ये अंडर रूट के अंदर वाले को मैं t मान रहा हूँ, 2x माइनस वन भी इक्वल टू टी, 2dx इज इक्वल टू dt। अब देखो डायरेक्टली जो लिखा है ना वो dt बाई dx होता है, इधर उधर करते थे ये वैसा है काई की? कितने बज रहे बेटा, तू एक घंटा जल्दी आ गई पगली, बाजू में रहती जा, सो जा। डी एक्स इज डी टी बाई टू, यहाँ देखे ठीक है। अब देखो ये तो मेरा हट जाएगा, रूट ऑफ टू एक्स माइनस वन रूट टी बन जाएगा। ये देखो अब ऐसा नहीं कर सकते आपके और एक्स भी रखो टी भी रखो, नहीं, यू हैव टू कीप जस्ट इधर एक्सेस और ओनली टीज। तो अब देखो यहां से मैंने एक्स की वैल्यू निकाला, एक्स इज टी प्लस वन द होल बाई टू, तो ये क्या जाएगा थ्री टाइम्स टी प्लस वन द होल बाई टू, ठीक है प्लस वन, और ये डी एक्स मैं क्या लिखूंगा डी टी बाई टू। तो बेसिकली थ्री टी प्लस थ्री द होल बाई टू प्लस वन इंटू रूट टी डी टी, थ्री टी प्लस एलसीएम एलसीएम लेके फाइव हो जाएगा, ठीक है प्लस टू अस्टू अपॉन टू रूट टी, ये वन बाय टू मतलब वन बाय फोर, थ्री टी प्लस फाइव इंटू रूट टी। अब देखो थ्री टी इंटू रूट टी को टी के बाद वन बाय टू लिख सकता था, तो थ्री टी इंटू रूट टी हो जाएगा टी की पावर थ्री बाय टू प्लस फाइव टी की पावर वन बाय टू डी टी। इसी आगे इंटीग्रेट करके टी की जगह पे आपको जो भी हो एक्स की वैल्यू जो आ रही थी ये वो डालना आप लोगों को आ जाएगा, फेयर एनफ। तो गाइस राइट नाउ यू विल बी डूइंग एग्जांपल टू का लास्ट सब पार्ट, एग्जांपल नंबर फोर पूरे के पूरे, एग्जांपल नंबर फाइव इजी सा है, उस पार्ट को देखो ही मत क्या है, इसको इंटीग्रेट करो, जो आंसर आएगा फिर यहाँ से कंपेयर करो, ए और बी निकालो, ठीक है प्लीज़ ये स्टार्ट कर लीजिए अभी आप लोग करना।
गाइस थोड़ा जल्दी कीजिएगा सो दैट हम लोग नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ पाए। आगे वाले इसमें भी आप लोगों को सब्सटीट्यूशन का सब्सटीट्यूशन कर सकते हो या एक प्रॉपर्टी बताऊंगा, बट हर क्वेश्चन में प्रॉपर्टी से इतना इजीली डायरेक्टली दिखता नहीं है, तो आपको येस यू विल हैव टू लर्न अ बिट अबाउट सब्सटीट्यूशन। वो प्रोडक्ट रूल में था, यू इंटू वी वाले इसमें। हाँ हाँ पर बहुत आगे हो पार, थोड़ा जल्दी कर ले बेटा।
हो जाएगा तो बताइएगा, और जिनका हो गया है यू कैन मे बी स्टार्ट ट्राइंग विद द नेक्स्ट एग्जांपल्स। Should not be taking so long. एक काम कर, एक बार ये देख बच्चा। अब ये देखिए गाइस, ये दो फॉर्मूला, अगर एफ ऑफ एक्स की पावर एन इन टू इसी का डिफ्रेंसिएशन दिया हुआ है, मुझे उसे इंटीग्रेट अगर करना है तो डायरेक्टली वैसे आंसर आप चाहो तो एफ ऑफ एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी कर सकते हो। दूसरा वाला क्या है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन जाता है लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाता है। ठीक है, वैसे मैंने ज़्यादातर में ये बहुत यूज़ किया है, ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, डायरेक्टली यूज़ हो सकता होगा बट मैं उसे सब्स्टिट्यूशन लगा लेता हूँ। तो मैं तुम लोगों को सब्स्टिट्यूशन के थ्रू ही बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल सूजन कौन सा करना है बोल, फर्स्ट का फर्स्ट सब पार्ट है सेकेंड सब पार्ट, सेकेंड सब पार्ट। मैं मेजरली अंडर रूट वाले को ही पहले कुछ ए बी सी टी कुछ मान लेता हूँ। ठीक है, तो देख इसको मैंने कुछ टी मान लिया, लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बी इक्वल टू टी, तो टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, तो इसको मैंने डी एक्स से लिख दिया ये। तो देख ये तेरा डी टी बन चुका है बेटा, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये बन गया रूट टी डी टी, आगे इंटीग्रेट कर सकता हूँ मैं। ये तो मैंने सब्स्टिट्यूशन से किया। अब ये इतना लप्पा क्वेश्चन है तो अगर देखेगा इसको तो इसको मैं ऐसे लिख सकता था क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की पावर वन बाई टू इन टू टू एक्स प्लस वन डी एक्स, ये मेरा एफ ऑफ एक्स है, ये मेरा एफ डैश एक्स है। तो देखिए एफ ऑफ एक्स की पावर एन ज़्यादा चल रहा है इन टू एफ डैश एक्स, तो इसको डायरेक्टली मैं कर सकता था आंसर को एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, डायरेक्टली ये लिख सकता था मैं वैसे उसमें। ठीक है, मैं सब्स्टिट्यूशन देखो कोई पाप नहीं लगता है, फेयर एनफ है। अब अगर तू मुझे पूछेगा सर वही प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे कैसे यूज कर पाऊंगा, तो तू देखेगा तो इसका डिफरेंशिएशन 10x आ रहा है, यार 10 तो है नहीं अब बस x ही है, तो तू चाहे तो यहाँ पे 10 और डिवाइडेड बाई 10 ऐसे लिख सकता था। फिर तू डायरेक्टली बोलता सर इसका डिफरेंशिएशन ये दिया हुआ है तो माई फाइनल आंसर जो भी 1/10, तो भाई रख दो एफ ऑफ एक्स की पावर एन वाले का इंटीग्रेशन हो जाएगा एफ ऑफ एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन
एन प्लस वन, हाँ इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, बट वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग मैं जब फर्स्ट टाइम पढ़ाता हूँ बच्चों को, आई डो नॉट टीच इट विद दिस वे फॉर द रीजन, मुझे सब्सटीट्यूशन मेथड जो है वो स्ट्रॉन्गर करना रहता है. आई वुड स्टिल सजेस्ट यू वॉन्ट टू गो बाय सब्सटीट्यूशन, यू वॉन्ट टू ट्राई ऑल दिस क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज बाई दिस फॉर्मूला, अप टू यू. एग्जाम में प्रॉब्लम क्या आएगा कि तेरे को तो पता ही नहीं फॉर्मूला लग सकता है लग सकता है, और तू उसमें दिमाग लगाएगा भी नहीं, तू डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन ही करेगा. तू मेरे साथ सब्सटीट्यूशन नहीं करो, बट कहीं दिख जा रहा है तुम्हारे पास फॉर्मूला लग रहा है तो लगा लेना, ठीक है. गो फॉर एग्जाम्पल नंबर वन, एग्जाम्पल नंबर टू भी आप लोग कर पाओगे. यस चलिए एग्जाम्पल वन और टू ही करिए पहले आप लोग बस, ठीक है.
मीनवाइल आपको क्या कर रहा हूँ, मैं फोर्थ का सेकंड एक बार युग को बता रहा हूँ। ये थोड़ा ट्रिकी वाला था। हो गया। ये बी सी बी ई सी ये देख, ये समझा तुझे क्या किया मैंने। तो बेसिकली डी एक्स की जगह पे मैं डी टी अपॉन 1/c तो है टी माइनस ए डालूंगा और ये टीच रहेगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन याद है तुझे, पार्शियल फ्रैक्शन याद है तुझे, वो करना पड़ेगा। देख 1/t - a इंटू 1/t इज इक्वल्स टू कुछ a/t - a प्लस b/t, वो करके एलसीएम लेके वो करेंगे अपन लोग, समझा। ट्राई कर देखते हैं। सिर्फ बी ई की पावर सी एक्स को टी लिया होता तो ये आया था मेरा बी ई की पावर सी एक्स सी टी बना लिया था इसने, फिर इसने सी टी बना लिया होता वैसे। नहीं जरा वही आता था आंसर देख, ठीक है ये। और अब ये इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स जगह पर 1/c डी टी बाई टी, पर ये ए प्लस टी, ये ए तो लाते ही ना तू, समझा। यस हो गया सूरजन। एग्जाम्पल 1 एंड 2 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3 ये देखिएगा इस, ये भी आप लोग कर सकते हो, सिर्फ ये चीज सेकेंड सब पार्ट वाला। ये तो इजी दिख रहा है राधा देख के मुझे। 3 + 4 e की पावर 4x को मैंने टी मान लिया, डिफरेंशिएटर 4e की पावर 4x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, इसको यहाँ पे भेज दिया तो इसकी वैल्यू पता है, वो कर लेगा। फिर एग्जाम्पल नंबर 3 के पहले सेकेंड दोनों सब पार्ट करिएगा। एग्जाम्पल नंबर 4th का आई वुड रिकमेंड कि आप लोग एक बार के लिए सेकेंड सब पार्ट अभी मत कीजिए, बट ये ध्यान रखिएगा अपने को यहाँ पे लिख लो एक काम करो इसके बाजू में। हाँ यस, बस वो यार लास्ट टाइम बोला तो था मैंने, वैसे मैं करके दिखाऊंगा इसको, लाके दिखाऊंगा तुम लोगों को, जिनको पार्शियल फ्रैक्शन पता है उनके लिए अच्छा है। और मैं सजेस्ट करूंगा इसे आगे उतना सॉल्व कर लेना, पार्शियल फ्रैक्शन जब आएगा तब अपन लोग देख लेंगे इसको वापस, अगर याद आया तो। नहीं भी अगर मैं बताया तुमने अगर सोल्यूशन यहाँ लिखा रहा तो इन फ्यूचर जब तुम वापस विजिट करोगे तुम्हारे इतना इशू नहीं आएगा। फट से एक बार वो कर लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 का फर्स्ट सब पार्ट।
के लिए एक बार के लिए रूट एक्स को कॉमन निकालना था, सिर्फ एक्स को कॉमन, एक्स को टी मान देते कोई मतलब ही नहीं है इसमें। चलो हो गया बेटा ऊपर वाले, तेरे हो गया सूजन में भी। देखो एक बार फोर्थ का नाम है, सेकेंड वाला जस्ट बता रहा हूँ तुम लोगों को, इसको पार्शियल फ्रैक्शन देके फॉर्मेट में लाके मैंने यहाँ पे लेट ए प्लस बी ई की पावर सी एक्स बी इक्वल टू टी डिफरेंशिएट किया, ये तो जीरो बन गया, ई की पावर सी एक्स, सी एक्स डिफरेंशिएट सी डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। बट अब मेरे को ये एलिमिनेट भी करना पड़ेगा, तो देखिए सी बी ई की पावर सी एक्स डी एक्स जो कि डी टी था, सी को वैसे रहने दिया, बी ई की पावर सी एक्स को मैं टी माइनस ए लिख सकता हूँ, ठीक है। ये डी एक्स और डी एक्स है, ये डी टी, तो बेसिकली डी एक्स की वैल्यू हो गई मेरी डी टी अपॉन सी टी माइनस ए, तब ये इंटीग्रेशन डी एक्स जगह पे आ गया डी टी वन अपॉन सी टी माइनस ए, और ये पूरा का पूरा क्या था मेरा टी था। ये इतना आप लिख के रख लो, इसके आगे अगर कभी भी आप लोगों को याद नहीं आता पार्शियल फ्रैक्शन रहता है आपको, तो पार्शियल फ्रैक्शन करोगे समझ जाएगा, एक बार बुक में ही लिख के रख लो मेरा बोलना है ये चीज़। पार्थ बेटा, कर लो एक बार प्लीज कर लो बेटा, हो गया सूर्य लिख लिया ये। एग्जाम्पल नंबर फाइव से करना है ना बेटा, यस। एक बार मैं डिक्टेट करोगे मुझे दिख नहीं रहा एग्जैक्टली, एक्स को एक्स प्लस ई की पावर टू एक्स है क्या, हाँ, तो एक्स प्लस ई की पावर टू एक्स द होल ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर टू एक्स, करेक्ट यही है ना। अब देखो वैसे अगर मैं यहाँ पे पूरे इसमें 2 और 1 बाई टू मल्टीप्लाई कर दूँ, इसका डिफरेंशिएशन ये बन जाएगा, तो वो बन जाएगा एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स वाला, तो ये 1 बाई टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर 2x प्लस सी बन जाएगा। तुमको नहीं दिख रहा है, मेरे को भी नहीं दिख रहा है, सोल्यूशन देखने का सबके को, तो डायरेक्टली इसको टी मानो और सॉल्व करो, आंसर आना शुरू हो जाएगा। स्टार्ट विद एग्जाम्पल नंबर 5, जस्ट डू एग्जाम्पल नंबर 5 अभी के लिए, इसे एग्जाम्पल नंबर 8 गलती से यहाँ पे आया हुआ है ये लिख सा इसमें, तो यहाँ पे वैसे भी करने नहीं वाले, मान लो फट से एग्जाम्पल नंबर 5 कर दीजिए आप लोग, नहीं
फिफ्थ फ्रैक्शन वाला, पहले सोच के मैं इसी को टी मान रहा हूँ यार, वन प्लस एक्स ई की पावर एक्स इज इक्वल टू टी, तो एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, आ तो गया रे, ई की पावर एक्स कॉमन निकाला, एक्स प्लस वन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, हो गया है क्या? पार्थ इतनी जल्दी कैसे हो जाता है? क्योंकि तू 2 मिनट में 2.5 मिनट तो तू बातें करता है, तो तू हाँ खा सकते तो कॉन्फिडेंटली हाँ बोल रहा है, फिफ्थ भी इतनी जल्दी कैसे हो गया? से दोनों कर दिए तूने इतना फास्ट, सिक्स वाला नहीं करना अभी, तो एक बार देखो, वैसे ये सिक्स वाला तो मैंने बोला ही था, फिफ्थ ही बोला। ये देखो भी, सिक्स्थ वाले का सेकंड सब पार्ट तो इजीली हो जाएगा तुम लोगों से। सो फर्स्ट सब पार्ट के लिए ना, मेरे को जितना ये रटा हुआ है, रूट एक्स कॉमन निकालना था, मेरे को रटा हुआ है, बट उसके सिवाय एक बार के लिए देखो, अगर मैं रूट एक्स को टी मानता हूँ, मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड से, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा टी स्क्वेयर, डिफ्रेंशिएट करो डी एक्स इक्वल टू टू टी डी टी हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन में डी एक्स जगह मैं लिखा टू टी डी टी, या डिनोमिनेटर रूट एक्स जगह पर लिखा टी और एक्स जगह पर लिखा मैंने टी स्क्वेयर, ऊपर नीचे से मैंने टी कॉमन निकाला, ये वन प्लस टी बचेगा, और इसका यानी टू इंटीग्रेशन डी टी ओवर वन प्लस टी, इसका इंटीग्रेशन जाएगा टू लॉग ऑफ वन प्लस टी विच इज टू लॉग ऑफ वन प्लस रूट एक्स, खत्म। मेरा मेथड ये था, रूट एक्स कॉमन निकालना, अगर तुम रट लोगे तो अलग बात है, उससे भी तुम्हारा फट से आंसर आता होगा, बट मेरे लिए मेथड ये वाला सिंपलर मुझे लगा था, ठीक है? तो ये उसका फर्स्ट सब पार्ट हो रहा है, आई वुड सजेस्ट ये सोल्यूशन ये यहीं पर करके रख लो इसके लिए। सेकेंड सब पार्ट वही एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी मानोगे, वो तो बहुत ईजीली आ रहा है, उसे बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है, वो हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर सिक्स करो, सेवेंथ वाला भी इजी दिख रहा है मुझे, सिक्स एंड सेवेंथ दोनों की दोनों अभी करो, एट नहीं करना है, बट अटेम्प्ट कर लो, फिर अपन कल देख लेंगे तो उसको सेवेंथ सेकंड। सेवेंथ का फर्स्ट सब पार्ट तो इजी है, सेवेंथ का सेकंड सब पार्ट मेरे को देख के इतना डिफिकल्ट नहीं लग रहा है, ए कॉमन निकाल के बाहर रखा हुआ है। हाँ